आज के इस वीडियो में हम जो है बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। उससे पहले आपको मैंने पिछले वीक में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन करवा दिया था, उसका वीकली टेस्ट भी हो गया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लाज्मिड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे आर, प्लाज्मिड आपको पता है बैक्टीरिया में होते हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। ए गुड वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम टोमीफिसम, ये अच्छा जो है वेक्टर माना जाता है, इसकी रेप्लिकेटिंग पावर ज़्यादा है। थर्ड, विच इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, हेटरोसिस, म्यूटेशन, तो प्लाज्मिड इससे रिलेटेड है। बी, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप, किसी ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो जीन ऐड करते हैं उसको फॉरेन जीन कहते हैं, और इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस आर यूज इन ब्रेकिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइड एंड क्रिएटिंग स्टिकी एंड, दोनों काम जो है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस क्या है? सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया फॉर देयर डिफेंस, ये एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया बनाते हैं। क्वेश्चन 7, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, बैक्टीरियम कॉमनली यूज इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम, जो बार बार बता चुका हूँ, विच इज़ यूज इन जीन क्लोनिंग। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर का भी नाम देते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, याद रख लेना। जीन क्लोनिंग में क्या यूज़ किया जाता है? प्लाज्मिड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, विच कैन बी यूज एज वैक्टर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट, डीएनए सेगमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? डैट इज़ द प्लाज्मिड, ओनली वन डैट इज़ बैक्टीरिया यूज़ करते हैं इसका प्लाज्मिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म में करने के लिए रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं। 12, स्टीयर्ड टैंक बायो रिएक्टर हैव डिज़ाइंड फॉर, स्टीयर्ड टैंक बायो रिएक्टर क्यों होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस के लिए, ऑप्शन सी। देर इज़ ए रिस्ट्रिक्शन एंड ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड इको आर वन, वट डज को, को का मीनिंग होता है कोलाई, ठीक है ना, ई जेनरा है, इश रशिया, सी ओ स्पीसीज कोलाई। 14, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी बीड फाइंड यूजिंग, किसके लिए यूज़ किया जाता है एग्रोज का? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। विच टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिक इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए। 16, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इको आर वन, क्या सोर्स है इसका? है ई कोलाई आर वाई 13। 17, इन द डायग्राम पी वी आर 300 वाई, ये एक प्लाज्मिड है, तो इसमें कंपोनेंट आपने देखने हैं, और इसमें क्या पूछा गया है? विच इज़ आइडेंटिफाइज कंपोनेंट करेक्टली, सही कंपोनेंट क्या है इसके? इसमें है ए एम पी आर, टेटार, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये है इसके, ये मार्कर होते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट डीएनए पॉलीमरेज़ यूज इन पीसीआर? इट इज़ एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, जो पॉलीमरेज़ एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज़, इसका ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी एक्टिव रहता है। माइक्रो पार्टिकल्स फॉर कोटिंग विद डीएनए टू बी बॉम्बार्ड विद गन, जीन गन किसके बने होते हैं? गोल्ड एंड टंगस्टन के बने होते हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 20, पीसीआर का दिया हुआ है इसमें स्टेप, तो इसमें करेक्ट क्या है? एबीसी में एक्सटेंशन इज प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये सही है इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 21, बायोलिस्टिक गन सूटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, ये सही है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन सी।
2023 colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colony of non-recombinant bacteria because of non-recombinant bacteria containing beta galactosidase. Option C. DNA fragment generated by restriction endonuclease in chemical reaction. कैसे सेपरेट कर सकते हैं इसको? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम. इसमें एल्गी एंड मिथाइलेज, ये गलत है. 26. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू प्रेसिपेट डीएनए. डीएनए प्रेसिपेट करने के लिए यूज़ करते हैं. ऑप्शन ए. 27. इको आर वन क्लीप द डीएनए स्ट्रैंड टू प्रोड्यूस. क्यों करता है? स्टिकी एंड बनाने के लिए. ऑप्शन बी. 28. ड्यूरिंग द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर टैग पॉलीमरेज यूज बिटवीन एनालिंग एंड एक्सटेंशन. ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोनिंग वैक्टर. यह आएगा बी, T1 प्लाज्मिड. 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलेंड्रोमिक एक जैसी होती है, चाहे आगे चाहे पीछे पढ़े, तो इसमें ये सही है, GAATTC. इसको पीछे से पढ़ेंगे CTTAAG आएगा, तो ये सही है. 31. द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. क्यों? कट द डीएनए स्पेसिफिक वीक सीक्वेंस. 32. विच वैक्टर कैन क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. स्मॉल फ्रेगमेंट के लिए प्लाज्मिड. ऑप्शन डी. 33. डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग. क्या होता है वो? वेक्टर, उसको कहते हैं वेक्टर. ऑप्शन ए. इंट्रोडक्शन ऑफ TDNA इनटू प्लांट. क्या होता है? अल्टरिंग द पीएच ऑफ सॉइल देन हीट शॉकिंग द प्लांट. 35. द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. 35 का डी. माइक्रो इंजेक्शन बॉलिस्टिक एंड डिजार्म्ड पैथोजन वेक्टर किससे सा रिलेटेड हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेथड है ये. 36 का डी. 37. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन एक्चुअली बिगेन विद डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. इस एंजाइम की वजह से इसमें एवोल्यूशन आया. 38. बायोरिएक्टर इज ए बेसल डिवाइस. इसमें क्या है? केमिकल प्रोसेस होती है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी डॉट होते हैं. 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम. इसमें गलत है मिथाइलेज, एल्गी का. 40. द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. क्यों? दे कैन क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक टारगेट. ऑप्शन बी. 41. द टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बैसिलस थ्रंजिनेसिस बीटी कॉटन में होता है क्राई प्रोटीन. ऑप्शन ए. 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्लाज्मिड सिंगल स्टैंडर्ड. ये गलत है. 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हिंड 2. ये स्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है. 43 का सी. स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव डिजाइंड फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस. ऑप्शन ए. 45. ए फॉरन डीएनए एंड इट्स प्लाज्मिक कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग लाइगेज. ऑप्शन बी. 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एक्सप्रेशन. ऑप्शन बी. 47. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड. इको आर बी जो ब्लंट एंड देता है. ऑप्शन डी. 48. आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फंगल सेल इन्वॉल्व यूज ऑफ एंजाइम काइटिनेज. क्योंकि ये फंगस सेल्स काइटिन को डाइजेस्ट करता है. 49. द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एंड एग्रो सेल कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद इथीडियम ब्रोमाइड. ये डीएनए की स्टेनिंग होती है. ऑप्शन सी. 50. विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस को कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग. 51. ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज सेलेक्टेबल मार्कर. ऑप्शन डी. 52. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एग्रो जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज
farther it move, option A. 53 the correct order of step of PCR. PCR के करेक्ट स्टेप क्या हैं? पॉलीमरेज़ एक्शन के पहले डीनेचर होता है, फिर उसके साथ प्राइमर वाइंड होता है, एनिलिंग फिर एक्सटेंड करता है, उसको एक्सटेंशन कहते हैं. 54 द DNA प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ मिक्सचर बायो मॉलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट इज चिल्ड इथेनॉल. जो PPT बना प्रेसिपिटेट बना देता है DNA के. 55 सो 55 में फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एडेनोन्यूक्लिएज. इसमें गलत क्या है? एंजाइम बाइंड DNA एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ टू स्टैंड. ये गलत है, दोनों स्टैंड को कट करता है, स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट करता है. सो ये थे इम्पोर्टेंट 55 MCQs और सॉल्व किए हैं विद एक्सप्लेनेशन, आपको समझाए हैं. आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे. किसी में आपको अगर डाउट है यू कैन पुट योर कमेंट, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को हेल्प हो. और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा ताकि और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकें. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और यूज़फुल मटेरियल मिल सके. और मास्टर कैडेट बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री की हम प्रेपरेशन करवा रहे हैं. इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और प्रोग्राम पेड ग्रुप ज्वाइन करके दे कैन टेक एग्जाम्पल एडवांटेज फ्रॉम इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम.